दोस्तों इस वीडियो में एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी रेवोल्यूशन होते हैं उन सबको मेंशन किया गया है तो सबसे पहले मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ रेवोल्यूशन से रिलेटेड जो जनरल टर्म्स हैं जैसे टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन क्वाइंट बाय विलियम एस एसकॉड इन 1968 जो ग्रीन रेवोल्यूशन टर्म है इसको विलियम एस्कॉड ने 1968 में दिया था द नेक्स्ट वन इज टर्म इवर ग्रीन रेवोल्यूशन पॉइंट बाई डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जो टर्म इवर ग्रीन रेवोल्यूशन है इसको डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने दिया था वर्टिकल रेवोल्यूशन टू मैक्माइज प्रोडक्शन पर यूनिट लैंड एरिया एट पर यूनिट ऑफ टाइम यूजिंग इंटेंसिव क्रॉपिंग सिस्टम यानि कि पर यूनिट लैंड एरिया एट पर यूनिट ऑफ टाइम में इंटेंसिव क्रॉपिंग सिस्टम को यूज करके हम अपने प्रोडक्शन को कितना मैक्सिमाइज कर सकते हैं वो वर्टिकल रेवोल्यूशन से रिलेटेड होता है अदर रेवल्यूशंस में आते हैं इसमें ढेर सारे प्रकार के रेवोल्यूशन हैं जिसको नीचे मेंशन किया गया है जैसे वाइट रेवोल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है इसमें मिल्क प्रोडक्शन से मिल्क से बने जितने भी पदार्थ होते हैं उन सबको मिलाकर जो प्रोडक्शन होता है वो वाइट रिवॉल्यूशन के अंतर्गत आता है ब्लू रिवॉल्यूशन यानी नीली क्रांति जो कि फ़िश प्रोडक्शन के अंतर्गत आता है फ़िश प्रोडक्शन से रिलेटेड है ब्राउन रिवॉल्यूशन भूरी क्रांति जो कि फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड है ग्रे रिवॉल्यूशन ग्रे रिवोल्यूशन जो होता है वो फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है येलो रेवल्यूशन जो येलो रिवोल्यूशन होता है वो ऑयल सीड प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है जैसे सरसों रेड रिवोल्यूशन जो कि टोमेटो एंड मीट प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है पिंक रिवोल्यूशन पिंक रेवोल्यूशन जो होता है वो प्रान एंड ओनियन प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है गोल्डन रेवोल्यूशन जो कि फूड प्रोडक्शन से फ्रूट प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है यानी गोल्डन रेवोल्यूशन जो होता है सुनहरी क्रांति यह फलोत्पादन उत्पादन से रिलेटेड है राउंड रेवोल्यूशन जो कि पोटैटो प्रोडक्शन से रिलेटेड है सिल्वर रेवोल्यूशन जो कि एग एंड पोल्ट्री प्रोडक्शन से रिलेटेड है ब्लैक रिवोल्यूशन बायोफ्यूल एंड जेट्रोफा से रिलेटेड है रेनबो रेवोल्यूशन ऑल सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर जो रेनबो रिवल्यूशन है वो एग्रीकल्चर के सारे सेक्टर को मिलाने से के बाद जो प्रोडक्शन होता है वो रेनबो रेवल्यूशन के अंतर्गत आता है परभनी रिवोल्यूशन जो परभनी रेवोल्यूशन होता है वो प्रोडक्शन ऑफ ओकरा यानी भिंडी के प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है